बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विधूर। किचन विधूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद कहती हूँ और सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, और जो जो चैनल पर नए हैं उन सबको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहन की मदद कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। आपकी सराहना की वजह से ये चैनल है, ठीक है। और जब भी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करें। डेली वीडियो अपलोड होती है, आप जो देखा करें बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हटके वीडियो होती हैं जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं किचन में धूल में आपके लिए क्या बनाने लगी हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ रमज़ान के हवाले से एक मैं आपको एक रेसिपी बताने लगी हूँ जो मतलब कि जैसे हो जाते हैं कि बंदा रोज़ा रखता है बाद में ऐसे कि जब तबीयत बहुत जल्द से फील होने लगती है, खट्टी दुकारें आती हैं या बदहजमी की शिकायत होने लगती है, ठीक है, मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है, या मतलब कि मतलब पकौड़े वगैरह खाए हैं गैस बदहजमी हो गई है, गैसेज वगैरह मतलब कि मैदे में ठहर गए हैं और खराज नहीं हो रहा, ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। वो इसके लिए हमें चाहिए मिश्री, ठीक है, ये धागे वाली मिश्री है, ठीक है, ये मेरे पास पहाड़ी पुदीना है, ठीक है, एक टेबल स्पून है, ठीक है, और एक टेबल स्पून मेरे पास सोडा है, इसका मैंने हाफ़ कर लेना, हाफ टेबल स्पून में हमें सोडा लेना है, हाफ टी स्पून सोडा, और ये पहाड़ी पुदीना जो है ना एक टेबल स्पून हमने पूरा ऐड कर लेना, ठीक है, और ये मिश्री ये भी पूरी, इसको भी हमें मोटा मोटा कूट लेंगे, जब 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 हम ग्राइंडर में डालेंगे तो इजी सी ये ग्राइंड हो जाएगी। इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसी मकदार के लिहाज से ज़्यादा भी बना सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा बना के रख लें, ठीक है, और किसी भी एयर टाइट जार में रख लें, ठीक है, जिसमें कोई नमी वगैरह ना हो, आप इसको बना के रख लें। ये आपकी कब्ज़, गैस, तबखीर, मैदे की जलन, इस पर और बहुत ही ज़बरदस्त ये टोटका है, ये आपने ज़रूर बना के रख लें। रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, हो जाते हैं मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस वगैरह खाना वगैरह खाया खट्टी जुगारें आने लगी हैं, बदहजमी की शिकायत हो गई है, ये उसके लिए बेहतरीन अक्सर चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। आप भी इसको बना के रख लें, जार में बना के रख लें, ज़्यादा सारा बना के रख लें, जब किसी को कोई मसला ऐसा हो तो, ठीक है, हाफ टी स्पून लिया और बांध सादे पानी के साथ खा लें, ठीक है। तो ये जो भी आपकी मैदे की कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की भी होगी ना, इससे ये दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे कारामद वीडियो में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।